हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तैयार करने वाले हैं क्विक स्नैक्स रेसिपी और ये आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत इजीली आप इसे तैयार कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे मैंने चने की दाल और मूंग की दाल से तैयार किया है, बहुत सिंपली मैंने इसे तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक पूरा देखें और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसे तैयार करने के लिए मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगी वो स्टेप वाइज बताऊंगी। मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है, लगभग मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल ली है और उसमें मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली है। तो सबसे पहले हम मूंग की दाल लेंगे और फिर चने की दाल लेंगे। इन दोनों को हम एक बोल में डाल देंगे और उसे भिगो कर छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। इससे पहले भी मैंने चने दाल की पकौड़ी शेयर की थी, आप सभी को बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे मैं दो दाल के साथ में इसे तैयार करूँगी, तो आप इसे तैयार करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये ईजिली रेडी हो जाएगा। इसे ढककर अलग रख दें। मैंने इसे बिल्कुल 4 घंटे के लिए भिगोया था और ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी बिल्कुल भी मिलाने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसे ग्राइंड करूँगी। आप भी इसमें पानी ना मिलाएं वरना ये जो पकौड़े हैं वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल डाल दी, अब हम इसे पीस लेंगे। मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसे इसी तरीके से पीसना है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। इस तरीके से हमें इसे ड्राई तैयार करनी है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसी तरीके से हम बाकी भी पीस कर रेडी कर लेंगे। मैंने दाल को पीस कर रेडी कर लिया है, अब इसमें हम कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसमें मैं रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच हम आमचूर पाउडर मिलाएंगे। आमचूर पाउडर मैंने खटाई के लिए डाली है, आप अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच, और फिर धनिया की कुछ पत्तियों को हम काट कर इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमें प्याज ऐड करनी है, यहाँ पर मैंने रफली चॉप कर लिया है प्याज को, इसे हम ऐड कर देंगे। प्याज इसमें जितना ज़्यादा डालें उतना अच्छा है, तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को कट किया है और फिर इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके पकौड़े तैयार करेंगे। अपने हथेलियों को धोकर अच्छे से साफ़ कर लें। अब आप चाहे तो इसके जो साइजेस है वो अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से बड़े साइजेस में इसे तैयार करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसके छोटे साइजेस कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी अलग है, हम इसे डबल फ्राई करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से इसके बॉल्स बनाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये बॉल्स बना लिए हैं, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम इस तरीके से इसे डाल देंगे, हल्का सा हमें इसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा चिपटा करना है और फिर इसे डाल देना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, फिर दोबारा से हम इसे फ्राई करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो अंदर में जो ये मिक्सचर होता है वो बहुत अच्छे से पक जाता है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। ये रेडी हो चुका है, मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसे निकालने के बाद हम बाकी सारे जो वड़े हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें इसे दोबारा से फ्राई करनी है, तो यहाँ पे मैं बाकी सारे वड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। इसे प्रेस करते हुए हमें दोबारा से फ्राई करनी है, जैसे कि ये मैंने बड़े तैयार किए हैं तो इसे मैं निकाल कर रख लेती हूँ। अब हमें एक प्लेट लेनी है, यानी जिसकी तली हो वो थोड़ी सी चपटी हो, और उससे हम इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना हमें वरना ये बिल्कुल फट जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा चिपटा हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से चिपटा हो चुका है, इसमें जो कुछ अंदर के मिक्सचर है वो पके नहीं हैं। तो अब हम इसे डालेंगे ऑयल में और ये बहुत आसानी से पक जाएंगे। इसे अब हमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करनी है, फिर ये रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार है, इसी तरीके से हम बाकी सारे भी प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे बड़े रेडी कर लिए हैं, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। इतने वक्त में ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस स्नैक्स को चाय के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ या फिर अपनी फेवरेट चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। इसे बहुत इजीली तैयार किया जा सकता है। मैंने इससे पहले चने के वड़े बताए थे जो आप सभी ने बहुत पसंद की थी। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करें तो वहाँ पर भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया है, अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इसे गर्म चाय के साथ सर्व करें तो सभी को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने यहाँ पर इसे टमाटर की चटनी के साथ में सर्व किया है, आप चाहें तो इसे चाय के साथ या फिर अपने पसंद के टमाटर केचप या फिर चटनी के साथ में सर्व करें तो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसे एंजॉय किया। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।